भाई आपके हिसाब से एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में क्या रहना? फैमिली सीटिंग और डाइनिंग रहना, और खाना लजीज, दिल को अजीज, बजट फ्रेंडली भी रहना ताकि अपनी पॉकेट हल्की रहे वैसा। मैं हूं खुर्शीद, वेलकम टू चैनल भुक्का नवाब। आज मैं आपको लेके आया हूं लकी रेस्टोरेंट नागोल के ब्रांच पे। यहां की रॉयल एम्बियंस सीटिंग डाइनिंग फूड सब लजीज है। इनके एक नहीं चार ब्रांचेस है। दूसरा संतोष नगर पे है, और टेकअवेज में भी क्या है, एक जुबली हिल्स पे है और एक मासब टैंक पे। खाना ठंडा हो रहा, चलो खींच शुरू करेंगे अपन। अरे मियाँ, असली ईरानी होटल को आके बिरयानी तो खाते, लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई वो ईरानी चाय है। आइए यहाँ पे पक्की ईरानी चाय खिला के पिला के दिखाता हूँ भाई। भैया ईरानी चाय दियो, जबरदस्त वाली, थोड़ी कड़क बनाओ। जरा क्या है मालूम, ईरानी चाय का मसला असल कैसा रहता बोले तो, उसके वो जो मसाला दम बोलते हो उसको, पत्ती को दम करते दबा के, तो वो दम से सुगुन आता, उल्टा है। शुक्रिया भाई। एक चीज बोलूँ, आजकल क्या है मालूम, पेपर कपा आ गए उसमें नहीं आता मजा। असली मजा आना बोले तो ऐसा बेहतरीन तरीके से प्याली में लेना, डालना और फिर उसको सुर सुर कर लेते हुए पीना। आहा, ये हो गया। खाना क्या है वो देखेंगे, चलिए भाई। ये है देखो लकी रेस्टोरेंट, एक नहीं मल्टीपल ब्रांचेस है इनका। संतोष नगर पे एक ब्रांच है और यहाँ पे नागोल पे। मैं नागोल पे आया हूँ क्योंकि यहाँ की सीटिंग दिखाना चाह रहा था मैं। बहुत कम रेस्टोरेंट है जिधर इतनी ब्यूटीफुल सीटिंग है, जबरदस्त टेस्ट है खाने में, क्वांटिटी भी लाजवाब, लेकिन प्राइस बजट फ्रेंड। भाई कौन सी भी फाइन डाइनिंग को गए तो एक आइटम 500 रुपए 600 रुपए, यहाँ पे 300 रुपए में मिल रहे हो भाई। और वेट नहीं हो रहा, इसीलिए बिस्मिल्लाह बोल के अपन पहले शुरू करेंगे इनके चिकन चीज कटलेट से। क्यों बोल रहा हूँ मैं कटलेट, क्योंकि मेरे को दिखने में वैसा दिख रहा है लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है बोले तो चिकन चीज डंपलिंग है। एक चिकन कीमे का कुछ तो भी एक कटलेट है, उसके अंदर चीज डाले और उसको क्या करे फ्राई कर दिया, फ्राई करके क्रिस्पी बना दी। वो तो है ही है, लेकिन मुंह में पानी आ रहा है देख के। वो पूरा मसाला जो कि अपने मंचूरिया वो चाइनीज के आइटम में रहता नहीं वैसा है। चलिए भाई और वेट ना हो रहा, इसको ऐसा लूंगा मैं, इसमें ला बाइट लिया तो एक जबरदस्त फीलिंग है। चिकन के ऊपर उन्होंने जो फ्लेवर डाले हैं चाइनीज के सॉसों का, एकदम जो आपको मंचूरिया में आता है वैसा है टेक्सचर चिकन कटलेट का है। अंदर चीज की फीलिंग भी है भाई, तो ऑल इन ऑल वो चीज की फीलिंग बहुत जबरदस्त फ्यूजन है। नया आइटम है, आई एम श्योर आप कहीं पे भी नहीं खाए होंगे बाहर, यहाँ पे आके ये खा के देखो पसंद करेंगे। नेक्स्ट आइटम अपना तंदूर आइटम है रेशमी कबाब। ये रेशमी कबाब के रेशम का जो नाम है इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर रेशम के बराबर का एक अंडा गिरता। आहा, क्या क्लाउडी ऐसा, पहले फेंट देते, फेंट के उसको मलाई कबाब के ऊपर लगा देते। क्या फ्लेवर दिख रहे भाई, इसको डायरेक्ट अंडे के साथ खाएंगे अब। चलिए भाई इसमें ला। मलाई कबाब की मिठास है, नरम तरीके से धुल गया हो, मतलब आपको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है चबाने की, उतना प्यारा तरीके से वो तंदूर का कबाब उन्होंने बनाए हुए। उसके ऊपर और एक फ्लफी अखमल का रेशम का अंडा, ऑल इन ऑल दोनों भी टेक्सचर तो जबरदस्त है, फ्लेवर भी लाजवाब है। नेक्स्ट आइटम और एक स्पेशलिटी है इनकी, ये पैन फ्राइड ग्रिल, मतलब छोटे बच्चों की जान रहती भाई ऐसे टाइप के चीज़ें। आप चिकन के फिलेट्स रहते नहीं, ब्रेस्ट पीसेस के, वो छोटे छोटे पीसेस को उन्होंने क्या है पैन के ऊपर फ्राई कर देते, ऑलमोस्ट मलाई के मसाले के वैसा दिखा मेरे को, बोलते नहीं बॉडी बिल्डर जैसा खाते वैसा है। चलो भाई अपन लेके इसको आके देखेंगे बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ मालूम, मायनीज के साथ आता है ये गार्लिक सॉस, उसको लगा के खा के देखता हूँ मैं पहले बिस्मिल्लाह। टेक्सचर बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त तरीके से ये जूसी ब्रेस्ट दिए। उसके ऊपर एक मसाला है, वो मसाला मैं प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर सका क्योंकि ऊपर मैं क्या कर रहा दबा के गार्लिक सॉस डाल दिया। बहुत लाइट आइटम है एकदम, आपको हैवी नहीं फील कर रहा था और अच्छा स्टार्टर है। अब पलट के इधर से उधर देखा तो खाली मेरे को फैमिलीज दिख रहे, और वाकई ये स्पॉट को मैं बोल सकता हूँ कि भाई वन ऑफ द बेस्ट फैमिली स्पॉट्स है क्योंकि एम्बियंस सीटिंग, ठीक है। फिर सर्विस में भी क्या है मालूम, फाइन डाइनिंग सर्विस है तो अच्छे सर्व करने वाले लोग हैं, फिर खाना का टेस्ट भी है और बजट, भाई खुली बात बोल रहा हूँ मैं, आप फैमिली को बाहर है नहीं, अगर हर हफ्ते लेके जाना रहा तो ज़रा बजट भी देखना पड़ता, वरना महीने में एक बार जाके कहीं पे भी 20,000 की बिल फाड़े तो नहीं होता, कंटिन्यूस लेके जाना पड़ता तो बीवी क्या है जूते नहीं मारते। नेक्स्ट आइटम अपना यहाँ का कॉर्न फिश है, जबरदस्त दिख रही दिखने में कॉर्न फिश। हाँ, ऊपर उसको क्या करें उन्होंने पहले मसाला लगा के कॉर्नफ्लेक्स में डालिए और कॉर्नफ्लेक्स को ऊपर से डाल के फ्राई कर दिए, बेहतरीन फ्राई करे तो मैं इसको खा के देखूंगा गार्लिक सॉस के साथ। ये लिए बिस्मिल्लाह।
बेहतरीन लाजवाब स्टार्टर है। खासतौर से जो कॉर्नफ्लेक्स है ना, बाहर से क्रिस्पी, आखिरी क्रिस्पी, मतलब कौन सी भी चीज को आप फ्राई करें तो क्रिस्पी हो जाए, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स डबल ट्रिपल चौपल लेके जाते वो क्रिस्पी के एलिमेंट को। और अंदर क्या है, मखमल, रुमाल के वैसी, नरम बटर के वैसी फिश। मैं कैसा बिरबॉय बोटी के वैसा बन गया, एकदम लाल लाल, आजकल बहुत चल रहा, देखो लाल है पूरा ठेला, लाल है खुर्शीद भाई भी लाल है। वैसी चेक लाल लाल आइटम है जिसका नाम है यहाँ का लक्की स्पेशल चिकन ड्राई। अब वो खा के देखेंगे अपन। लजीज स्टार्टर दिख रहा है मेरे को, तो ऐसा लूंगा मैं, फोक में डालूंगा, और जिसमें चाइनीज के आइटम में शहद गिरता, बेल पेपर्स एंड कैप्सिकम गिरता, मेरे को तो बहुत पसंद आता। मैं आप लोगों को पहले भी बोला अपना क्या है मालूम, चटपटा स्पाइसी मीठा सोर हर चीज़ को जबरदस्त है। चलो भाई उसमें वो जो चाइनीज का मसाला है ना, मीठा भी है स्पाइसी भी है। स्पाइसी तो ऑब्वियसली क्योंकि अदरक लहसुन मिर्ची ये सब चीज़ें डाले, हरी मिर्ची, लेकिन जो शहद डाल के उसको स्पाइसी मीठा बना ना, अपन दूसरे जगहों पे इसको कभी कोई तो भी सिंगापुरियन बोल देता, कभी इसको कुछ तो भी नाम देते, लेकिन यहाँ पे लक्की स्पेशल चिकन ड्राई टू गुड है, मस्ट ट्राई है, ये आके खा के देखो आप। या जबरदस्त आइटम है, जबरदस्त स्टार्टर्स खा लिए। एक और स्टार्टर है जो कि मटन सीख शीख, आप क्या बोलते हो वो बोलो, मटन सीख बोलते हैं मटन शीख बोलते हैं, मैं तो शीख बोलता हूँ क्योंकि शीख लेके घुतड़ देता हूँ। मजाक करा भाई, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे तुम ना। जब से अपन गार्लिक सॉस लगा रहे थे, अब क्या करेंगे अपन, ये हरी पुदीने की चटनी जो रहती नहीं, या मटन सीख कबाब को उसके साथ ऐसा लगा के ऊपर से डाल के आगे देखेंगे। बिस्मिल्लाह, निवाले में खाली चबाते कि वो पहले पुदीने की चटनी का टैंगी वो खटपटा फ्लेवर मारी, लेकिन सीख कबाब भी बोल रहा हूँ मैं आपको, आखिरी मीठी है। मतलब दूसरी जगह मेरे को क्या है, ज़्यादातर वो दाल का टेक्सचर मिक्स करते भाई, उसमें प्याज दाल वगैरह हुए मिक्स करते उसको टेक्सचर पकड़ने, लेकिन इसमें क्या है बहुत ज़्यादा मीठी फ्लेवर आया मेरे को। हो गए भाई अपने स्टार्टर्स, अब क्या है मालूम, लजीज ग्रेवी है एक, उसका नाम क्या है मालूम, चिकन रारा। चिकन रारा का कैसा रहता, रारा बोलते कि आप समझ जाना उसमें खीमा यूज़ होता, अब ये वाले उसमें क्या है, चिकन का है तो चिकन खीमा यूज़ होता। आखिरी बटर डाले, क्रीम डाले, ऊपर से भी फिर क्रीम डाले, देख के समझ जाना एक इंसान की भाई वाव है रहने वाला है। अपन क्या करेंगे, इसको बटर नान से ऐसा लेंगे, बटर नान लेके ये पूरा मिक्स करेंगे, ऐसा निवाला बनाएंगे और फिर बिस्मिल्लाह। वाह क्या टेक्सचर है वो, एकदम क्रीमी, क्या करा इन्हों, काजू पेस्ट डाल के वो ग्रेवी को आखिरी क्रीमी बना दिया, लेकिन साथ साथ खीमा, चिकन का जो खीमा रहता ना पूरा, वो भी मिक्स करके एक अलग ही लेवल लेके चले गए भाई। वो अगर अपन बटर चिकन, चिकन टिक्का मसाला से बोर हो गए ना, ये आइटम खाने के लायक है, इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी है भाई। देखो मेरा एक रिवायत, मेरी पुरानी वो ट्रेडिशन समझा, मैं क्या करता था मालूम, पहले बॉल ऑफ हैप्पीनेस बनाता था, रुमाली रोटी ऐसा लेता था, यहाँ का बेहतरीन लजीज, फिर फाइनल में क्या करेंगे मालूम अपन, इसके ऊपर ग्रेवी है यार, वो ग्रेवी कैसा नहीं डालते, ऐसा घोल उठने वाला बनाया मैं, ये लिया, चलो भाई बिस्मिल्लाह। इतना बड़ा तो नहीं बता सकते भाई, इसलिए क्या है, इसको बर्गर के वैसा दो निवाले लेता हूँ ऐसा। मजाक कर रहा हूँ समझ रहे आप, रिएक्शन देख के, लेकिन उसकी मिठास, उसका क्रंच, उसकी नरमी, अंडे का रेशम, वो मीटीनेस, वो क्रीमी ग्रेवी, गार्लिक सॉस, अरे रे रे रे, पूरे वाकई बॉल ऑफ हैप्पीनेस बन गया, क्योंकि इतने टेक्सचर्स, इतने फ्लेवर्स एक साथ उतर गए बोले तो आपकी जबान पे। ईरानी होटल पे आया अपन, ईरानी रेस्टोरेंट है ये, ईरानी चाय पिए, बिरयानी भी खासा खाना पड़ता है क्योंकि लोग की छे भाई एक्चुअली ईरानी बिरयानी, चिकन भी है यहाँ पे, मटन भी है। इनकी बिरयानी की खासियत क्या है बोले तो, पहले तो ये बल्क में कितना डिमांड रहता आप देख के समझ जाओ, इतने गुस्से खा लिए था एक आधे आधे घंटे को, ये पूरे 15-20 हंडियाँ जिसको बोलते आप पूरे निकलते रहते। लेकिन इनकी बिरयानी की खासियत क्या है बोले तो, इन्हों मसालेदार बिरयानी बनाते पूरा, आप देख के समझ जाना कि भाई ये बिरयानी में बेहतरीन मसाला है। ये गोश्त भी देखो आप ऐसा फट जा रहा, आ हा क्या मसाला है भाई, इतना दिखाओ हमारी पब्लिक को, इसको बोलते देखो मसाला, ये रहना बोलता हूँ मैं। हाँ मेरे जितने भी तेलुगु दोस्त है ना भाई, बोलो मैं, उन लोग मटन बिरयानी नहीं पसंद करते, चिकन बिरयानी पसंद करते, वो कई को करते वो लोगों का प्रेफरेंस है, लेकिन चिकन बिरयानी यहाँ की लक्की रेस्टोरेंट की नागोल में या इवन संतोष नगर में पूछ लिए कहाँ पे मिलती है बेस्ट बोले तो, लिटरली थुड्डी पकड़ता गाड़ी पे बिठाता इधर लाके छोड़ देता आपको। चलो भाई इसको क्या करता हूँ मैं,
ऐसा लिए मसाला, मसालेदार चावल, लजीज फ्लेवरफुल चिकन, ये लिए बिस्मिल्लाह। ऐसी बिरयानी को ना दही की ज़रूरत है ना सालन की ज़रूरत है। सालन तो यूज़ करने वाला इंसान ही क्या है मालूम, उसको चंचलगुड़ा जेल में डाल देना पड़ता, क्योंकि इतनी मसालेदार बिरयानी के साथ थोड़े लोगों को मसाला कम है तो ना दही यूज़ कर लिया समझ में आता, लेकिन वाओ। साथ में लेग पीस यूज़ करें भाई अपन, थाई और लेग पीस, ये दो पीस का खाना दिल बोलता मेरे को बिरयानी के साथ, क्योंकि आखिरी जूसी रहते। थोड़े जने हिरस को क्या है मालूम, चेस्ट पीस मंगा लेते, कहीं को ज़्यादा गोश आता, ज़्यादा गोश आता। भाई बात क्वालिटी की है, बात फ्लेवर की है, बात टेस्ट की है। जूसी चिकन का पीस, लेग या थाई, वो यूज़ करके खाना अपन। देखो भाई अपन क्या है, बुकाना हो अपना खाना पीना तो चलते रहता, ऐसा लजीज खाना, चाहे वो स्टार्टिंग में जो पूरे स्टार्टर्स है चाइनीज में, तंदूर में, अरे सोच रहा हूँ मैं आइटम्स को तो मेरे मुंह में पानी आ रहा, फिर ग्रेवी भी लजीज बेहतरीन और मसालेदार फ्लेवरफुल निवालेदार बिरयानी खाना है आपको तो कहाँ जाना मालूम, लक्की रेस्टोरेंट को आ जाना, जिसके चार ब्रांचेस है, एक ब्रांच संतोष नगर में है और दूसरा नागोल में है। ये दोनों ब्रांचेस के पास इनके पास रॉयल डाइनिंग है, एम्बियंस ही देखा तो परेशान हो जाना इतना, ऐसा लोट लेना खाली इधर से उधर, आपके बच्चे पूरे जो पिसल बंडे पे पिसलते नहीं वैसी यहाँ के फ्लोरों पे पिसल लेना, क्योंकि इतनी सफाई है, इतना जबरदस्त एम्बियंस है। और रही बात सर्विस की, फाइन डाइनिंग है भाई, बेहतरीन ही देते हैं आपको। बात क्या करेंगे अपन, टेस्ट की करेंगे, टेस्ट तो मेरे सामने मैं आपको खा के दिखा दिया, लजीज है। ऐसा नहीं रहता, ऐसा ये तुम ना ये ना कोई समझो कि अरे भाई इन्हें खा के कुछ और बोल दे रहा, मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, क्रीमी है तो क्रीमी है बता रहा हूँ, जूसी है तो जूसी है बता रहा हूँ, क्रिस्पी है तो क्रिस्पी है बता रहा हूँ। आपके बजट भी क्या है मालूम, ज़्यादा नहीं है क्योंकि बजट फ्रेंडली है, आइटम प्राइसिंग भी देख के आप परेशान हैं, 300 रुपये में ना 8 पीस आ दे रहे तंदूर के, मजाक है। ऑल इन ऑल चीख मार सर्टिफाइड दिल बोले बार बार वाला एम्बियंस, सर्विस, टेस्ट और बजट फ्रेंडली प्राइसिंग भी, मैं आया खाया, मेरे को पसंद आया, आप भी आइए खाइए, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए क्या करना है बोलो कमेंट सेक्शन में, बोलते आप नहीं बोलते, लास्ट टाइम भी पूछा था, खाओ पियो ऐश करो मेरे भाई, और टाटा बाय बाय। डॉन का शाहरुख खान दिख रहा नहीं भाई, कौन बुला रहे, चोर दिख रहा हूँ बोल के।